अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। दोस्तों आज मैं आपको सरगोधा बोर्ड के 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का गेस पेपर आपको बताने वाला हूं। इंशाल्लाह ताला इस गेस पेपर में से आपके सरगोधा बोर्ड के अंदर 10th क्लास के कंप्यूटर के पेपर के अंदर 90 से 95% सवाल इसी गेस पेपर में से इंशाल्लाह ताला आपके पास आएंगे। तो इस गेस के पेपर को कम्प्लीट देखिए और पूरा गेस पेपर याद कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी मिल सके। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास कंप्यूटर के शॉर्ट सवालात के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग सवालात के बारे में बताएंगे। पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा सवाल स्टेप टू फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉब्लम एनालाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद है एल्गोरिदम एंड पर्पस ऑफ रिफाइनिंग एन एल्गोरिदम। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन डेस्क चेकिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्राम। उसके बाद है सेंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद डीबगिंग। उसके बाद एरर दैट अकर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, सेंटेक्स एरर, राइट कॉजेज ऑफ लॉजिकल एरर्स, व्हाई लॉजिकल एरर्स इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। उसके बाद फ्लो चार्ट्स एंड लिमिटेशंस, कंपेयर फ्लो चार्ट्स विद एल्गोरिथम। उसके बाद डिफाइन बेसिक एंड हु व्हेन GW बेसिक डेवलप्ड। उसके बाद है इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बेसिक लैंग्वेज। उसके बाद हाउ इज़ बेसिक प्रोग्राम सेव्ड, हाउ मैनी मोड्स आर देयर इन GW बेसिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड। उसके बाद है दोस्तों आपके पास अगला सवाल, व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर। उसके बाद राइट द पर्पस ऑफ यूज़ ऑफ ऑटो, MKDIR, डिलीट, क्लियर, CLS कमांड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड लिस्ट कमांड्स। उसके बाद है व्हाट आर वेरिएबल इन GW बेसिक। उसके बाद है न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। उसके बाद है व्हाट आर कॉन्स्टेंट न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। उसके बाद है दोस्तों आपके पास अगला सवाल है डिफाइन लूप, राइट इट्स टाइप्स एंड यूजेस। उसके बाद है दोस्तों कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इन बेसिक। उसके बाद है राइट द सेंटेक्स एंड यूज टू गो टू स्टेटमेंट ऑन एरर, गो टू स्टेटमेंट व्हाइल व्हेन लूप, व्हाइल लूप फॉर नेक्स्ट लूप, उस नेस्टेड लूप। डिफरेंशिएट बिटवीन गो टू एंड ऑन गो टू, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट्स। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन आउटर एंड इनर लूप। उसके बाद है डिफाइन एरे एंड राइट इट्स एडवांटेजेस, एरे के एडवांटेजेस। डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स एंड नॉन सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। अगला सवाल है डिफाइन एलिमेंट्स एंड इंडेक्स ऑफ एन एरे। डिफरेंशिएट बिटवीन वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। उसके बाद सवाल है सेंटेक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन। उसके बाद DIM स्टेटमेंट एंड इट्स सेंटेक्स, फाइलिंग ऑफ एन एरे, पर्पस ऑफ एरे मैनिपुलेशन। उसके बाद है सब प्रोग्राम्स। उसके बाद है बिल्ड इन फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ बिल्ड इन फंक्शन, ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन यूज़र मेथड, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस। उसके बाद सीक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस। डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन एंड सब रूटीन। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉर्ड एंड फाइल हैंडलिंग। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा फाइलिंग प्रोग्राम्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड ABC फंक्शन। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन INF उसके इंफॉर्मेशन, SQR फंक्शन। उसके बाद है सिन फंक्शन, फिक्स फंक्शन। उसके बाद है अगला सवाल डिफरेंशिएट बिटवीन पिक्सल एंड ग्राफिक्स।
नेम ऑफ ग्राफिक मोड्स, उसके बाद है टेक्स्ट मोड, उसके बाद अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई रेजोल्यूशन एंड मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, उसके बाद है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई एक्सिस जो ग्राफिक्स के अंदर बेसिक कोऑर्डिनेट है वो, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एंड ड्रॉ स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन पर्पस ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन स्टेटमेंट, कलर स्टेटमेंट, उसके बाद है एल आई एन ई स्टेटमेंट, उसके बाद है बेसिक इन बेसिक, बेसिक जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड इट्स एडवांटेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है उनके एडवांटेजेस, डिफरेंशिएट बिटवीन मेन्यू बार एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके बाद है स्क्रॉल बार एंड इट्स पर्पस, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइटल बार एंड टूल बार, पर्पस ऑफ प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू आइकन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपी कमांड एंड पेस्ट कमांड, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपी एंड पेस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेव एंड सेव एज, उसके बाद है हाउ इज डॉक्यूमेंट फाइल्ड रीनेम इन एमएस वर्ड, उसके बाद है राइट द पर्पस ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप ड्रॉप कैप एंड पेज मार्जिन्स, उसके बाद है दोस्तों आपके पास सवाल डिफरेंशिएट बिटवीन अंडू एंड रीडू कमांड, उसके बाद सवाल है लास्ट शॉर्ट सवाल का डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिपबोर्ड एंड ऑटो टेक्स्ट। अब आपको बताते हैं लॉन्ग सवालात के बारे में, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट डाउन इट्स टाइप्स इट्स स्टेप्स, what is analysis, describe its importance in solving a problem, उसके बाद है what is the design algorithm, what is the next step in design algorithm, उसके बाद है what is desk checking, describe its importance, what is debugging, how many types of errors can occur in a program, उसके बाद है what is flowchart, describe important symbols used for drawing flowcharts, उसके बाद है डिस्कस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लोचार्ट, उसके बाद है व्हाट इज बेसिक लैंग्वेज, गिव इट्स पर्पस इन हाउ मेनी मोड्स, जीडब्ल्यू बेसिक कैन ऑपरेट, उसके बाद है डिफाइन प्रोग्राम, व्हाट आर फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, डिफाइन वेरिएबल, राइट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक, उसके बाद है व्हाट आर कॉन्स्टेंट, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूज्ड इन जीडब्ल्यू बेसिक, उसके बाद है राइट अ नोट ऑन लोड किल कमांड विथ एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब इट्स यूजेस, डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन बेसिक, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, एक्सप्लेन गो टू स्टेटमेंट ऑन गो टू इफ then else for next statement while when statement explain with example, उसके बाद है what is nested loop, nested loop explain the nested nested for next loop, what is an array, define elements and index of an array, describe the use of subscript variable in array, write a note on dim statement, what is two dimensional array, ठीक है दोस्तों, उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय मैनिपुलेशन ऑफ एरे, व्हाट इज सब प्रोग्राम ऑफ मॉड्यूल, डिस्क्राइब इट्स पर्पस एंड टाइप्स, व्हाट आर बिल्ट इन और स्टैंडर्ड फंक्शंस, व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, आल्सो डिस्क्राइब डी ई एफ एफ एन स्टेटमेंट विद एग्जांपल, डिफाइन ग्राफिक्स, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड, define IDE in basic, basic and briefly explain the functionality of its different modes, उसके बाद है what is the purpose of screen statement, color statement, उसके बाद है दोस्तों what is meant by title bar, menu bar, status bar, उसके बाद है what is meant by saving a document, a right step to save a document, उसके बाद है what are the headers and footers, उसके बाद है what is
स्पेल करेक्टर्स। दोस्तों ये सारा जो आपके पास 10th क्लास का कंप्यूटर का गेस पेपर है पूरे पंजाब के जितने भी एजुकेशनल बोर्ड हैं उनका, ये हम पूरे जो नोट्स हैं ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये जो पूरा हमने आपको गेस पेपर बताया है कंप्यूटर का, ये पूरे जो पेजेस हैं हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको सेव करके अपने पास रख लें, स्टेप बाय स्टेप आप इसको याद करते रहें, और आपने जो बाकी अपनी तैयारी की हुई है कंप्यूटर के जो पेपर की उसको भी रिवाइज़ करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे उतना ही फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो याद से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ये जो पेजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं गेस पेपर के, वो डाउनलोड करके अपने पास रख लें, ताकि आपको आसानी हो कि कौन से याद कर लिए हैं कौन से नहीं किए, अगर वीडियो के अंदर आपको समझ नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मज़ीद आपके पास गेस पेपर्स कंप्यूटर के पंजाब के 9th और 10th क्लास के आने वाले हैं, 11th और 12th क्लास के भी आने वाले हैं, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें, इसके अलावा इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।